अढ़ाई तीन साल से मैं देख रहा हूँ, बाकी ये समय देख रहा हूँ कि पूरा दो महीना से पड़ा है। खाने नहीं आते? कोई नहीं खाने आता है, ना कोई साफ करने आता है। इतना बदबू मार रहा है कि हम लोग को यहाँ बैठल मुश्किल हो गया। यहाँ म्युनिसिपालिटी को नहीं दिखाई दे रहा है तो आम पब्लिक परेशानी होगी। यहाँ पे बच्चों को लाकर लेटरिन कराते हैं, वो देखो अभी भी कूड़ा फेंका जा रहा है, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं है। हफ्ते में 15 दिन में एक बार उठाने वाला आता है। नमस्कार, मैं सिमरन, आप देख रहे हैं AIR न्यूज और इस वक्त मैं मौजूद हूँ NTPC बदरपुर में। जो NTPC है उसके ठीक सामने और आप यहाँ की जो हालत है देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि बदरपुर में आपको जगह जगह जो है कूड़े का पहाड़ देखने को मिल जाएगा। ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि MCD का जो लापरवाही का आतंक है वो पूरे बदरपुर में फैल चुका है, क्योंकि इसी वजह से बदरपुर जो है वो पूरी तरीके से कूड़े से भरी हुई है। आप बदरपुर की सड़क पर निकल जाइए, कहीं ना कहीं आपको कूड़े का पहाड़ जरूर दिखेगा, जैसे कि अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ जो है ये पूरा डस्टबिन का टन भर चुका है, बल्कि पूरा नीचे भी जो है कूड़ा फैला हुआ है। इसी के साथ यहाँ की हालत इतनी ज्यादा बुरी है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप फुटपाथ टूटे हुए हैं। बस स्टैंड की हालत कितनी ज्यादा जर्जर है, वहाँ के फुटपाथ की हालत बहुत ज्यादा जर्जर है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ के जो जनता से है उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उनको क्या समस्याएं होती है इसकी वजह से। क्या नाम है आपका? ये समस्या जो है यहाँ पर ये पूरा टूटा हुआ है, बस स्टैंड पूरा जर्जर है और वहाँ पर जो कूड़े का पहाड़ है ये कब से आप यहाँ पे देख रही हैं? 4 साल से देख रहे हैं। 4 साल से देख रहे हैं? ये कब टूटा? इनसे पूछ लो। ये 4-5 महीने से है। 4-5 महीने से क्यों टूटा ये? ये सब खेलने वाले बच्चे तोड़े। इतना सारा बच्चा थोड़ी तोड़ेगा? तोड़ा, खेल रहे बच्चे इसी पे खेल रहे। अभी सुबह ने आके देखना, पत्थर मार रहे तोड़ रहे हैं। तो आप ही कहना चाहती है कि यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक बच्चों ने तोड़ा है? हाँ, बच्चे ने तोड़ा है। और वो जो माल वाला है, ये दुकान कर रखा, ये तोड़ा है। क्यों, उन्होंने क्यों तोड़ा? वो GCB लगवा दिया है। GCB लगवा दिया इसलिए? उसका दुकान फाल था तो ये यूज करवाने के लिए भी करवाया नहीं। तो यहाँ के लोगों ने इसे खराब कर रखा है? हाँ, यहाँ के लोगों ने खराब कर रखा है। यहाँ के लोगों की लापरवाही है? हाँ, लापरवाही है लोग। और वो जो देख सकते हैं आप कूड़े का जो है पूरा भरा हुआ है, MCD वाली गाड़ी आती है? हाँ, वो गाड़ी तो आती है, हर हफ्ते ले जाती है। हफ्ते में आती है? हफ्ते में। रोज नहीं आती? रोज नहीं आता, इसलिए वहाँ पे इतना कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। इस पे इतना कूड़ा इकट्ठा होता है कम से कम एक ट्रक। एक ट्रक? एक ट्रक आता है। बदबू आती होगी? बदबू तो बहुत ज्यादा आती, वहाँ खड़े होके जाके सोते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बदबू बहुत ज्यादा आती है, एक ट्रक कूड़ा जो है वो इकट्ठा हो जाता है। करीब एक हफ्ते में जो है MCD की गाड़ी यहाँ पर आती है। तो और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रबाब अली। ये कैसे टूटा? ये तो कुछ काम हुआ था, जो आए थे कुछ सामान करने के लिए यहाँ पे, उसी की वजह से टूट गया। यहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ करने आए थे क्या? हाँ, काफी दिन हो गए इसके लिए इसके। तो और ये जो कूड़ा यहाँ पे इकट्ठा रहता है हमेशा, जब देखो तब यहीं पे कूड़ा रहता है। ये तो सरकार का और यहाँ के उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इसको कैसे हम साफ करें, जब वो कुछ कर ही नहीं रहे, उनको दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ म्युनिसिपालिटी को नहीं दिखाई दे रहा है, तो आम पब्लिक परेशानी होगी। यहाँ पे बच्चों को लाकर लेटरिन कराते हैं, वो देखो अभी भी कूड़ा फेंका जा रहा है, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं है। हफ्ते में 15 दिन में एक बार उठाने वाला आता है। इतना लेट क्यों आता है? रोज आना चाहिए ना। अब वो तो सरकार जाने ना, इस बार कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन यहाँ करने वाले करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं उठाते। कई बार यहाँ से सोशल मीडिया पे डाला गया है, लेकिन फिर भी नहीं कुछ रिएक्शन होता है। यहाँ पर एक्शन ही नहीं लिया जाता। और ये बस स्टैंड की हालत भी बहुत जर्जर है यहाँ की। ये तो यहाँ के पब्लिक का एक लेखा जोखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि MCD की जो है यहाँ पे लापरवाही बताई जा रही है, क्योंकि MCD जो है 15 दिन या एक हफ्ते में एक बार आती है और कूड़ा उठा के ले जाती है। पूरा कूड़ा एक बार में उठा ले जाती है? वो भी नहीं हो जाता,
नहीं हो पाता, जो नीचे है पड़े होते हैं, जो साइड में पड़े होते हैं वो पड़े रह जाते हैं, जो डब्बे में होते हैं वही लेकर जाता है। अच्छा, तो जो डब्बे में कूड़ा होता है, जो डस्टबिन में होता है, सिर्फ वो कूड़ा जो है इनसे उठा के ले जाती है, बाकी सारा कूड़ा जो नीचे पड़ा होता है वो वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है और वो फैलते फैलते पूरी सड़क पर भी जो है वो फैल जाता है। बाकी हम जो है और लोगों से भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे कि वो उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मीरा। ये समस्या आप कब से देख रहे हैं, कैसे टूटा और वहाँ पे जो कूड़ा पड़ा रहता सड़क पे, कब से है ये? भाई ये तो 2.5-3 साल से मैं देख रहा हूँ, बाकी ये समय देख रहा हूँ कि कूड़ा 2 महीना से पड़ा है। खाने नहीं आते? कोई नहीं खाने आता है, ना कोई साफ करने आता है, इतना बदबू मार रहा है कि हम लोग को यहाँ बैठल मुश्किल हो गई। बैठ भी नहीं पाते, बच्चे भी नहीं खेल पाते? कोई खेल ना पाते है, ना कोई बैठ पाते है। कंप्लेन करी है? खूब कंप्लेन हुआ, कोई नहीं सुनवाई। तो आप कहना चाहती हैं कि सरकार अपना काम नहीं कर रही है? नहीं कर रही है, सुभाष कैंप में तदम बिल्कुल नहीं कर रही है। तो इसके लिए आप क्या लगता है कि अगली बार जब वोट होगा वो आएंगे तो आप क्या बोलेंगे उन्हें? क्या बोलेंगे? सीधे चप्पल उठा के मारेंगे और क्या बोलेंगे? चप्पल मारेंगे बस। जब हम लोग का कुछ नहीं, खरगन जा नाली न तो दुआरी पर कूड़ा कबाड़ा भरल है, तो हम लोग किस लिए वोट देंगे, किस लिए बढ़ाएंगे आगे? नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ की जनता इतनी भड़की है कि पार्षद और नेताओं को जो है चप्पलों से मारने वाली, क्योंकि वो यहाँ पर कोई काम नहीं करवा रहे। क्या नाम है आपका? मीना। ये समस्या कब से देख रही हैं आप? तो 2.5-3 साल से है, मगर ये गंदा बहुत है, इतना बदबू आती, बारिश का पानी भर जाता है, ये भी और ज्यादा दिक्कत हो जाती है यहाँ पे। तो मैं तो सरकार से गुजारिश करूंगी, या तो इसको बंद करवा दे, मेरे तरफ से बंद नहीं करवा दे, क्योंकि कंजर भी है, बहुत दिक्कत करते हैं इसमें जाके, चोरी वोरी भी करते हैं इसके अंदर। आप तो आप महिला सुरक्षा को लेकर भी क्या है यहाँ पर? महाबकवास है, कुछ भी हो जाता है, बोल नहीं सकते। यहाँ पे आने जाने वाले भी रास्ते में जाते आते देश में अंटे जेब काट लेते हैं, इसमें घींच के ले जाते हैं, उनको मारते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बंद कर दे तो ज्यादा अच्छा। बंद कर दे? अच्छा, सरकार ने इतना पैसा देकर बना तो दिया है लेकिन ये इस्तेमाल में नहीं आ रहा, तो ये इस्तेमाल में नहीं आ रहा तो पैसे की बर्बादी भी तो है। इस्तेमाल कैसे होगा? साफ सफाई होगी जब तो इस्तेमाल होगा। आप घुस के देखो कितना अच्छा है, आप चले जाएंगे इसके अंदर, जाने लायक है? अगर साफ सफाई होगा जब तो कोई जाएगा, ये तो आएगा जाएगा यूज होगा, ना लाइट है ना इसके अंदर कुछ है, पानी भर जाता है इसमें, इतना गंदा है, और कोई कुछ बोले किसी से तो उल्टा लड़ने लग जाते हैं। तो मतलब जब साफ सफाई नहीं रहेगी तो कोई इधर जा तो पाएगा नहीं। तो यहाँ पे जो जेब कटरे पोटी भी कर देते हैं इसी में घुस घुस के, बाथरूम करते हैं, बताओ कहाँ कोई जाएगा? लेटरिन बाथरूम से कोई निकल के जाएगा? स्कूल दो दो स्कूल है, बच्चे ऊपर से रोड पार होते हैं, जब साफ सफाई था ना नीचे से चले जाते थे बच्चे, और जब नहीं है तो ऊपर ही से जाते हैं रोड पार करते हैं। और स्कूल के बच्चे छोटे छोटे, उनको खतरा भी रहता है, गाड़ी वगैरह चलती है, अल्लाह यहाँ पे पुलिस लगती है, ट्रैफिक कुछ भी हो जाए, मतलब बच्चों को रोकने के लिए कुछ तो सुविधा होनी चाहिए, कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ। तो सरकार जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही? मेरे हिसाब से नहीं। कौन सी सरकार है जो जनता के लिए काम करेगी? मेरे लिए तो अभी तो कोई कर ही नहीं रहा, तो मुझे तो पता ही नहीं है। तो वोट मांगने आएंगे तो आप क्या बोलेंगे उनको? वोट नहीं देने वाले इस बार, वोट ही नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं, हम क्यों देंगे वोट? हमारा वोट हमारे काम के लिए, तो हम वोट क्यों देंगे किसी को? हम नहीं देने वाले। क्या नाम है आपका? नीतीश। ये जो आप देख रहे हैं ये टूटा हुआ है, पूरा फुटपाथ टूटा है और वहाँ पे कूड़ा भी जो है रोड पे भरा हुआ है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? साफ सफाई करनी चाहिए, मगर करते नहीं ना, एमसीडी वाले है, देख रहे झाड़ू लगाने आते नहीं, एमसीडी वालों की लापरवाही है। लापरवाही, कंप्लेन करें? कंप्लेन होगी, करी है बहुत बार, मगर आते नहीं साफ करने के लिए। क्या बोलते हैं? छोड़ देते ऐसी बार बार यहाँ पे गंदगी। ये नालियाँ देख रहे हैं, हम हाथों से साफ करते हैं, एमसीडी वाले नहीं आते हमारे लिए, ये नाली हम खुद अपने हाथ से साफ करते हैं, जितनी हम यहाँ महिला मिलके अपना खुद साफ करते हैं, नाली में कूड़ा फेंकते हैं बाहर। अगर यहाँ पर एकता ना हो तब तो लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हकीकत बात है, एकता नहीं है तो इंसान दुश्मन बन जाएगा। अपने हाथ से साफ करते हैं, कितना भी हो जाए अपने हाथ साफ करके बाहर फेंकेंगे हम लोग, बाहर साफ सफाई रखते, ना एमसीडी वाले आएंगे ना कोई आएगा, झाड़ू भी बाहर नहीं लगाते। वो जब कोई अच्छा मंत्री अभी आई थी, वो द्रौपदी मुर्मू आई थी, जब झाड़ू लगा था उस दिन, तो कभी झाड़ू ही नहीं लगा होगा बाहर। झाड़ू लगाते हैं? हाँ झाड़ू लगाते एक दिन बस, दिखाने का काम होता है। दिखाने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी लगी थी, पुलिस भी बहुत सारी आई थी उस दिन, और उस दिन के बाद कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी प्रशासन में है वो सिर्फ दिखावे का काम करती है,
और यहाँ पर हकीकत कुछ और ही आपको नजर आती है। यहाँ पर हकीकत यह है कि यहाँ के फुटपाथ टूटे हुए, रास्ते जो है वो ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ है, और सड़कें आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा गाड़ियां यहाँ पे चल रही है। इसी वजह से सब्वे बनाया गया था, लेकिन सब्वे भी जो है प्रयोग में नहीं है। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरा फुटपाथ टूटा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, गाड़ी पूरी भरी हुई है, सुबह से शाम हो गई, लेकिन एमसीडी की एक भी गाड़ी जो है अभी तक नहीं आई है, ना ही कूड़ा उठा के लेके गई है। पूरा डस्टबिन का टिन जो है वैसे का वैसे ही भरा हुआ है, और बल्कि लोग इसमें आकर और ज्यादा कूड़ा डाल देते हैं। तो क्या आपको ये लग रहा है कि आप दिल्ली में है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि हम दिल्ली में है। ये मुझे लग रहा है कि हम पता नहीं कौन से पिछड़े हुए गाँव में खड़े हैं, क्योंकि गाँव भी आप जाएंगे तो चेहरा साफ सुथरा होता है, लेकिन दिल्ली का बदरपुर तो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में हमें देखने को हमेशा से मिला है। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली की जो हकीकत तस्वीरों में दिखाई जाती है, अखबार आप पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया देखते होंगे, दिल्ली की तस्वीरें आप देखते होंगे, तो क्या ये तस्वीरें दिल्ली से मैच करती है जो तस्वीरें आप देखते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ये तस्वीरें उनसे मैच करती है जो तस्वीरें आप दिल्ली के बारे में देखते हैं। ये तस्वीरें कुछ अलग ही है, और हकीकत है कि यही दिल्ली है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें किसकी गलती है? क्या आम आदमी पार्टी सही से काम नहीं कर पा रही है? क्या इस बार उनका जो है सफाया होने वाला है, या कुछ और ही देखने को मिलेगा? और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप देख रहे थे AIR न्यूज। धन्यवाद। मैं सिमरन बदरपुर से।